स्टार्ट। सर दोस्तों, इस वक्त मैं पट्टल पालिया में हूँ। वो सामने पट्टल है और सड़क के इस तरफ पालिया है और ये रॉयल फील्ड का शोरूम उधमपुर में। इस वक्त हम उधमपुर पट्टल बलियान में हैं और दोस्तों ये एक बिल्कुल वैली टाइप एरिया है। सामने आप देखोगे, सामने आपको वैष्णो देवी जी का पहाड़ मिलेगा, उसके बाद ये जो पहाड़ सामने आ रहा है ये भी त्रिकुटा हिल्स का ही रिज है। इस पे आपको एक माया माता का मंदिर मिलेगा, ये सामने आपको काली माता का मंदिर मिलेगा और इसी रिज के नीचे एक मंदिर और है, माता का मंदिर है। इस रिज पे तीन मंदिर है। इसके बैक साइड पे हमारा अपना सुरेश्वर मानसर आ जाता है और इसमें एक पीर बाबा भी है। सभी लोकेशंस अच्छी देखने वाली हैं। आप ये मैं लेफ्ट को घूम रहा हूँ, लेफ्ट को ये सामने अभी यहाँ से घर आ गया है। यहाँ सामने ऊपर जो रिज है, हमने पहले सीधा ईस्ट को जाना है, फिर वो रिज क्रॉस करके शिवगली से फिर हमने वेस्ट होते हुए ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है इसको इसके पीछे पीछे से होते हुए, डिपेंड करेगा कि क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है। अगर मौसम साफ हुआ तो हम टनल के उस तरफ चले जाएंगे, अगर ना हुआ तो हम वहां से वापस उधमपुर आके ये सामने रिज आपको दिख रही है, ये सामने रिज दिख रही है। ये है अपना सरोली धार और ये सामने वैष्णो माता का। सरोली धार के पीछे से यहां से पंचारी से टोट होते हुए रियासी निकल जाएंगे। अगर मौसम साफ रहा, रास्ता खुला रहा तो चनानी से हम अपना रामबन की तरफ निकल जाएंगे। ये डिपेंड करेगा वेदर कंडीशन पे। अभी तक तो सुबह की जितनी राइड हुई है अच्छी राइड हुई है। इस वक्त हम रॉयल फील्ड के शोरूम के बाहर उधमपुर में खड़े हैं और ये यहाँ का ब्यौरा था। और जैसे मैं बता दूं कि ये सामने जो मैंने पहले मंदिर बताया इनके पीछे सुरेश्वर मानसर, ये जम्मू रीजन इस तरह से है और इस तरफ आपका इस वक्त लखनपुर कठुआ। तो दोस्तों ये यहाँ का लोकेशन थी, बीच में उधमपुर के बीचों बीच में। तो ये हमारी दोनों गाड़ी है, पेट्रोल हमने डाल लिए, अब आगे निकलते हैं। अब यहाँ से पट्टल बलियान से मैं यहाँ से एक राइट टर्न ले लूँगा। राइट टर्न लेके मैं सीधा अपना दुमेल से मैं रामनगर पे, क्योंकि मैं इसलिए यह जानकारी दे रहा हूँ कि आपको कल को आपको इस ट्रैक को पकड़ना हो तो आप डुड्डू बसंतगढ़ पहुँच सकते हैं। कि आप अगर चनानी नहीं जाना चाहते, अगर सर्कट करना चाहते हैं तो रामनगर से जाइए और चनानी से वापस आ जाइए। तो अब आपके सामने ही रास्ते हैं, बोलूँगा बाकी रोड्स की कंडीशन। ट्रक अभी छोड़े नहीं है, ट्रक का काफ़ी जमावड़ा है, बाइकर्स छोटी गाड़ियाँ सभी निकल रहे हैं। मैडम आपको क्या आइडिया लगा कि श्रीनगर का रास्ता खुला होगा? नया अपडेट जो अभी का, ट्रक ही रुके हुए हैं, बाकी छोटी गाड़ियाँ तो सभी चल रही हैं, सिर्फ ट्रक रुके हुए हैं। उनका शायद टाइमिंग होगा
मगर ऐसी कोई वो नहीं अपडेट है कि बंद है कोई रास्ता, रास्ते खुले हैं, क्योंकि छोटी गाड़ियां सभी निकल रही हैं। तो दोस्तों ये आज का अपडेट है, मिलता हूँ, जो जो नया अपडेट्स मिलते जाते हैं वो आपको मैं इस पर बता देगा। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो? कैसे हो आप? मैं थोड़ा थक गई हूँ सर। तो कैसा रहा अभी तक का आपका ट्रिप? अभी तक तो सही रहा और अच्छा लग रहा है। हाइट अच्छी हाइट पकड़ ली है, मतलब पैरों में थोड़ा सा जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो पैर भी भारी हो जाता है, कहने का मतलब ये। और आपको कैसी जगह लगी है आपकी? बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है, पूरी ग्रीन। क्या दिखाना चाहोगे लोगों को कि ये सामने माउंटेन्स, मौसम थोड़ा, मौसम क्लियर नहीं है, मौसम तो बादल हो रहा है, बादल हो रहे हैं, सामने बर्फ दिखाई दे रहा है। ये सामने जो आपको बर्फ दिख रहा है, आपको मालूम है ये कौन सा पहाड़? ये हिल नहीं है मैम, ये है अपना छोटा कैलाश भद्रवा वाला, इसको छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। इसी के राइट हैंड पे आ जाएगी धौलाधार रेंज, यहाँ से दोनों रेंजेस दिखती हैं। और जिस एंगल पे हम खड़े हैं इसमें बिल्कुल हमने इसी तरफ स्ट्रेट चलना है,
इसी तरफ हमारा गन टॉप आएगा और गन टॉप ये कुलवंता में आरसी पीक, गन टॉप के बाद शिव गली। अगर आप मेरे इस तरफ से देखें, यहाँ पे एक मंदिर दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, ये है शिव गली के ऊपर जो टॉप है वहाँ मंदिर आता है, ये वो मंदिर है। और यहाँ से आपको मैं एक 360 का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसा दिखता है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ से हमें बैक साइड भी दिखेगी। बैक साइड हमारा आ जाता है गुजरा नगरोटा, जो बसोली रोड पे आता है। और ये सामने ऊपर आरसी पीक, इस तरफ हमारे अब जम्मू है। तो ये पहाड़ियाँ हमें टिकरी से भी दिखती हैं, और इस वक्त मौसम साफ ना होने के कारण पूरे पहाड़ साफ दिख नहीं रहे हैं। और ये लोकेशन थी हमारी पहली, और ये हमारी जो भी हमारे टारगेट्स हैं कुछ भी हैं उसमें हमारा ये पहला टॉप है, पास नहीं है, टॉप है। क्योंकि टॉप वो होता है जिस जगह से आगे रास्ता कनेक्टेड ना हो, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ से हमें अब वापस नीचे कुलवंता जाना पड़ेगा, और फिर अगर इसी तरीके से हम जिस तरीके से चल रहे हैं अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद आज हम एक या दो पास भी टच कर पाएंगे। और यहाँ का नज़ारा बताता हूँ, देखिए बड़ा सुंदर सा नज़ारा। आइए यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। और बस मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इन जगहों पे आते भी हो तो गंद मत डालिए, साफ़ सुथरा रखिए। साफ़ सुथरा रखेंगे तो अच्छा लगेगा, गंद डालेंगे तो हम ही बीमार होंगे। बाकी दोस्तों लोकेशंस बता सकता हूँ, बोल कम सकता हूँ। और ये सामने ऊपर हेलीपैड भी है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर, कभी कभी हेलीकॉप्टर भी उतरता है, और सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ पड़ी रहती है। और एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, ये जो आरसी पीक और कुछ और भी है वो मेरे पर्सनल लिंक में भी कुछ ऐसा है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम में कभी इंडिविजुअली आऊँगा तो फिर वीडियो करूँगा। मिलता हूँ दोस्तों आपको आगे। ये वो प्लेस है जिस जगह पे हमने गलती की है। हमारी गलती क्या थी ये मैं एक्सपर्ट से पूछूंगा कि गलती क्या है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बोलेंगे ज़्यादा समझदार है। अब जो लोग मेरी ये वीडियोस देखेंगे वो मुझे बताएंगे कि इसमें हमारी गलती क्या थी कि जिसके कारण हमारी गाड़ी यहाँ से स्किड हुई। ये देख लीजिए, और मैं आपको पीछे बताता हूँ, मेरे इस क्वेश्चन का जो राइडर आंसर देगा, तो अगर वो जम्मू का होगा तो उसको मैं एक जम्मू की राइड करवाऊंगा, अगर वो बाहर का होगा तो दोस्तों मेरा स्टिकर उसके पास ज़रूर पहुंचेगा। और ये लोकेशन थी, इस तरफ से हम जा रहे थे और यहाँ से हमारी एक गाड़ी स्लिप हुई है। इसका कारण बताना, अगर आप अच्छे यूट्यूबर हो, अच्छे फॉलो, अच्छे राइडर हो, इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लेन सही में, नहीं तो मैं ना भी वीडियो बनाता, इसलिए कि मैं देखूं कि आपकी भी क्या नॉलेज है। ये मेरा वीडियो बनाने का यही कारण है। और यहाँ से फिर हम गाड़ी यहाँ से नीचे लेके आए हैं, और इसको मैं ही नहीं, मेरे एक दो और जो सीनियर राइडर्स हैं मैं उनसे डिस्कस करूँगा, वीडियो मेरे पास पूरा है, फिर उसके बाद इसका मैं रिजल्ट दूंगा आपको। तो दोस्तों बाइकें अच्छी हैं, दोनों बाइकें अच्छी हैं, मैं भी तंदुरुस्त हूँ, मैम भी तंदुरुस्त है। अब हम आगे निकलते हैं, बहुत लंबा सफ़र है। ये इस वक्त हम जिस लोकेशन पे हैं, मैडम उसके बारे में आपको बता देगी कि कैसा एरिया है। मैडम इस एरिया के बारे में बता देना, बहुत प्यारा एरिया है भाई, बहुत प्यारा एरिया है, आना चाहिए। कुछ नहीं, ये इतना सा स्किड मार गई गाड़ी कि मेरी गलती, शायद मेरा ध्यान नहीं रहा, एकदम से मैंने बीच में से ले ली, जबकि पूरा मैं साइड से कर रही हूँ कवर, और एकदम से ध्यान ही नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ बीच में गाड़ी डाली। और दूसरा मैडम, जिस जगह आप खड़े हो यहाँ की लोकेशन, चारों तरफ की लोकेशन कैसी है वो बता दीजिए। प्यारी है, डेंजर है। ये देखिए इस तरफ पहाड़ है, ये देखिए मैम इस तरफ चल रहा है, इस तरफ भी पहाड़ है, ये पीछे भी पहाड़ है, यानी चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में ये रास्ता है दोस्तों। तो कुछ नहीं होता मैडम, साफ हो जाएंगे। तो दोस्तों निकलते हैं, बहुत लंबा सफर है, ऐसा ऐसा छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स ऐसे चलती रहती हैं, तो यही तो सीखने आते हैं।
राइड 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 बोलते हो, राइड नहीं, हम राइड पे ये चीजें सीखने आते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे।